अध्यक्ष को स्टे ऑर्डर देने के बावजूद भी वो नहीं सुन रहे हैं और थाने पे पैसा लेकर थानाध्यक्ष और थाने के एसआई जो हल्का दरोगा है वो भी। एक ओर योगी सरकार कानून को लेकर इतनी सख्त है, वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार के ही पुलिस अधिकारी उनके आदेश का पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, आपको बता दें, पकड़ी थाना अध्यक्ष के हल्का दरोगा एसआई की बात नहीं सुन रहे हैं और गलत रिपोर्ट बना रहे हैं। एसपी और अधिकारी को सूचित कर रहे हैं कि जब बता दें कि पीड़ित का कहना है कि जब मेरे भाई ने थाने पर आदेश दिया तो थाने पर पहुंच गए, तब थानाध्यक्ष और एसआई थाने में बंद करके ददारी यादव से बोले काम करो। फिर उसके बाद कुछ देर बाद जब हमारे भाई एसपी सर को फ़ोन करके बता दिया और डीएम को बताया, फिर काम बंद बताने के बाद भी काम नहीं बंद हुआ। बता दें आपको कि साथ ही मुकदमा दर्ज कराने का भी हवाला देते हैं, धमकी देते हैं कि मुकदमा दर्ज करा दिया जाएगा। आपको बता दें कि जहां एक तरफ सरकार लगातार पीड़ितों की बात सुनने के बात करती है, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के अधिकारी जो हैं उनके आदेश पर पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। सुनवाई नहीं हो रही है, जिसमें थानाध्यक्ष को स्टे ऑर्डर देने के बावजूद भी वो नहीं सुन रहे हैं और थाने पे पैसा लेकर थानाध्यक्ष और थाने के एसआई जो हल्का दरोगा है वो भी पैसा लेकर दोनों लोग मिली भगत। सुनवाई नहीं हो रही है, जिसमें थानाध्यक्ष को स्टे ऑर्डर देने के बावजूद भी वो नहीं सुन रहे हैं और थाने पे पैसा लेकर थानाध्यक्ष और थाने के एसआई जो हल्का दरोगा है वो भी पैसा लेकर दोनों लोग मिली भगत कर हमारे खिलाफ अपना साजिश कर रहे हैं और हम स्टे ऑर्डर देने के बावजूद भी काम नहीं रुकवा रहे, जिसमें ऐसे कि कुछ गाँव के ही दलाल हैं जैसे मनीष सिंह, विक्रमा यादव, वीर बहादुर हरजन, जगन्नाथ यादव और भी इत्यादि आदि लोग हैं, जिसमें कि वो लोग चाहते हैं कि हमारी भूमि को कब्जा करें, जो कि हमारी नंबर की ज़मीन है, 137 सौ की ज़मीन पे वो कब्जा करवा रहे हैं। बाकी और भी कनम लोग लगे हुए हैं इसमें, जो कि पत्रकार भी इसमें एक आध दो हैं और भी लोग कन लग के काम करवा रहे हैं। ज़बरदस्ती थानाध्यक्ष और डीएम और एसडीएम को भी हमने सूचना दे दिया है, फिर भी वो सूचना को जानते हुए भी नज़रअंदाज कर रहे हैं। ये सभी लोग कन्हैया मिली भगत बनाकर थानाध्यक्ष 50 से 60 हज़ार रुपया लेकर काम जबरदस्ती करवा रहे हैं और बोले हैं थानाध्यक्ष कि अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम्हारे और तुमको छेड़खानी और अन्य धाराओं में और केसों में फंसाकर तुमको जेल जेल भेज दिया जाएगा, जिसमें तुमको जमानत जल्दी नहीं मिलेगा।